शिवपुरी जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक में किसी प्रकार की कोई किट नहीं है। अगर किट नहीं होगी तो मरीजों को ब्लड नहीं दिया जा सकता। तमाम मरीज ऐसे जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, उनका हीमोग्लोबिन 3% रह गया है, किट के अभाव में मरीजों को ब्लड नहीं दे पा रहे, तो मैंने विभिन्न प्रकार की 50-50 किटें उपलब्ध कराई हैं अपने निजी धन से, क्योंकि मैनपुरी की जनता को मरने से रोकने के लिए। एक HIV किट दी है 50 और SCV किट दी है 50 65 और ये मेल के किट दी है 30 और ये क्या AC ये 100 दिए मैंने, तो कुल मिला के ये हो गए 65 130 160 260 किटें मैंने दी हैं। अच्छा विधायक जी, हाँ अब ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कोई इंतजाम करेंगे, लेकिन इस सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे उनकी पोल खुल रही है। मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि मैनपुरी जिला चिकित्सालय का जो हालत है आप लोग ऊपर तक पहुँचाएँ, जनता मर रही है, कहाँ रही है। विधायक जी, दवाइयाँ नहीं है अस्पताल में, तो क्या कारण रहा है, किस तरह से? मैनपुरी के तमाम स्वयंसेवी संगठन, तमाम मैनपुरी के लोग इस अस्पताल में दवाइयाँ डोनेट कर रहे हैं और अस्पताल का इतना बुरा हाल है कि कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन दावे किए जाते हैं कि सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं, CMS वगैरह सब कह रहे हैं, क्या कारण है इसका? जब सरकार का मुखिया ही झूठे दावे कर रहा है तो नीचे के लोग तो कितना झूठ बोलेंगे। और आप लोग सब मैनपुरी के रहने वाले हैं, बताओ मेरी बात अगर गलत है, अस्पताल में दवाइयाँ हैं नहीं है तो आप इस खबर को चलाइए, विधायक जी सरकार सो रही है, जाग जाए। हॉस्पिटल की इस बदहाली को लेकर क्या आप कोई आंदोलन भी करने वाले हैं क्या? मैं 2 बार चेतावनी दे चुका हूँ और ये इसे आखिरी बार मान लेना, अगली बार अगर ये नहीं होती है तो हम आप सब लोगों की राय लेकर जो उचित होगा, अगर अनशन पर बैठना पड़ेगा अनशन पर बैठेंगे, अस्पताल में धरना देना पड़ेगा धरना देंगे, लेकिन इस सरकार जो सो रही है उसको जगाएंगे कि मैनपुरी की जनता को मरने से बचाओ, नौनिहाल बच्चों को मरने से बचाओ। जब यह किट नहीं होंगी तो मरीजों को ब्लड कैसे मिलेगा, दवाइयाँ नहीं होंगी, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब मैनपुरी में कोई हड्डी का डॉक्टर नहीं है, अगर कोई पुलिस केस हो जाए तो डॉक्टरी माना कराने लोग फिरोजाबाद जिले में जाते हैं, ये तो हाल है यहाँ का। तो आप हमारी इस खबर को वरीयता से चला दें, शायद सरकार जाग जाए। ब्लड बैंक का सुपरविजन का कार्य देख रहा हूँ, जैसा कि किटों का अभाव है, एक पेशेंट हमारे पास अभी 4-5 कहिए गए, तो उन्होंने विधायक जी से भी अनुरोध किया जाए कि यहाँ किटों की व्यवस्था नहीं है, ब्लड हम दे नहीं पा रहे, हमारे पेशेंटों को बहुत ही सफर है, सीरियस मरीज हैं। तो ये देख करके विधायक जी ने बहुत ही मतलब दया का कार्य करते हुए जो है मानवता को जो है देखते हुए जो है एक बहुत ही महादान जो है कहना चाहिए किया, जिससे कि इन किटों से कई एक की जानें भी बचेंगी और ब्लड का कार्य हम सुचारू रूप से अभी पेशेंट जो सीरियस होने मात्र 15 मिनट में जो है हम अभी सप्लाई में भी दे देंगे। क्या कमी है इसमें जी, क्या क्या कमी है यहाँ पर? नहीं, अब जैसा कि अभी CMS साहब ने कहा था कि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर एक नया इंस्ट्रूमेंट है ELISA, ELISA नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये 2011 में भी यहाँ परचेज हो चुका है। तो आप उसे ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं? नहीं, सब कर लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए सामान जो हमें चाहिए था वो सामान का हमने इंटेंट भी दिया था, तो वो सामान हमें अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है, जिस कारण हमें ELISA भी जो है अभी नहीं चला पा रहे। क्या क्या सामान है? अच्छा CMS साहब, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप चला नहीं पाते हैं, एसी चाहिए हम लोगों को, टेंपरेचर मेंटेन कर लेते हैं, CMS साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं। अब वो तो जो भी कहे लेकिन जो है ELISA 2011 में ही आ गया था, उसमें डॉक्टर RD यादव पैथोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने भी ELISA का संचालन इसलिए नहीं कर पाया था कि उसमें यहाँ ब्लड की सप्लाई बहुत ही कम थी और ELISA टेस्ट के लिए ये एंड है, अगर ये सामान आ जाए तो वो कर चालू हो जाएगा। देखो कुरावली भी कराते रहे और एक महीना में इतनी कमजोर हो गई कि उसका ब्लड 3 पॉइंट रह गया, कल से यहाँ से आ रहा है, यहाँ आए तो उसका अभी ब्लड मिल नहीं पा रहा। क्या कारण क्या रहा है? अभी जो राजू विधायक जी आए तो उन्होंने थोड़ी सी संशोधन किया है कि अभी मिल जाएगा, आशा है कि मिल जाएगा। बल्ले में मेरे आज ब्लड नहीं मिल रहा है मुझे। क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ पर बोले कि टेस्ट वाले को नहीं है, किट नहीं है। अच्छा, किट के अभाव में आपको ब्लड नहीं मिल रहा? हाँ जी, हम कल से परेशान हैं। आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है? हाँ, बहुत ही कम ब्लड है और उनका ऑपरेशन होना है रसौली का। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।